हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबसे एक बहुत ही यूज़फुल ऐप के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग यूज़ कीजिएगा उस ऐप को, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बात यह है कि देखिए, जो कैम स्कैनर ऐप था जिससे हम लोग अपना फ़ोटोज़ को इजीली पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकते थे, ठीक है, लेकिन वो ऐप तो अभी बंद हो चुका है, बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो अब क्या करें, ठीक है। बहुत सारा ऐसा ऐप प्ले स्टोर में है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने भी बहुत सारा ऐप यूज़ किया। अभी ऐसा भी ऐप है जिसमें अगर हम लोग फोटो खींच करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो जो फाइल का साइज़ होता है ना, वो बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे मान लीजिए 2-3 पेजेस या एक पेज को भी फोटो खींच के हम लोग सेंड करें तो उसका फाइल का साइज़ होता है 5 से लेकर 6 MB तक। तो ऐसा मान लीजिए अगर हम लोग 10 या 12 पेजेस का कोई भी प्रोजेक्ट सेंड करें तो उसका MB कितना बड़ा बन जाएगा, साइज़ बहुत बड़ा बन जाएगा। जिसको व्हाट्सअप में सेंड करना भी तकलीफ होता है, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप जीमेल से भी सेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका लिमिट है एक फाइल साइज़ का। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स और जो ऑफिस में काम करने वाला है, जिन लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो फाइल्स फोटो डॉक्यूमेंट है उसको PDF में कन्वर्ट करके सेंड करना पड़ता है, प्रोजेक्ट हो या असाइनमेंट हो स्टूडेंट्स के लिए या कुछ भी टास्क जो कॉलेज में दिया जा रहा है, उन सबको लिख के फोटो खींच के PDF में कन्वर्ट करके सेंड करना पड़ता है, ठीक है। और बहुत से लोग हैं जिन लोगों को पता नहीं है कि फ़ोटो खींच के कैसे PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो आज आप सब लोग ये वीडियो को देखिए, आप सबका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, पूरा वीडियो देखिए तब जाके आपको जानकारी मिलेगा। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आगे भी ऐसा वीडियोस आप सबके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रूपम, आप देख रहे हैं आरडी स्टडी सेंटर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ऐप के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वो खुद ऐप यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। मैंने खुद यूज़ किया वो ऐप, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको यूज़ करके अपना फ़ायदा कर सकते हो, ठीक है। तो बात यह है कि उस ऐप से मैंने क्या हुआ, 6-7 पेजेस का फ़ोटो खींचा, उसको PDF में कन्वर्ट किया, फिर मैंने सेंड किया। पता है आपको साइज़ कितना हुआ मेरा फाइल का, सिर्फ 2 MB, 2.2 MB या 2.3 MB का फाइल का साइज़ होता है। और फोटो का जो फाइल का जो क्वालिटी है, ठीक है, पिक्चर क्वालिटी है, वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, क्लियर है, क्लीन है। तो ठीक है, आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनिए। उस ऐप का नाम है क्लियर स्कैनर, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर लोगो शो हो रहा है, ठीक है, इसका नाम है क्लियर स्कैनर। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके क्लियर स्कैनर टाइप कीजिए तो आपको ये वाला ऐप मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कीजिए और आराम से यूज़ कीजिए, ठीक है। मैं अभी आप सबको मेरा मोबाइल पर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ईजी है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और मैं बोलता हूँ ये बहुत ही अच्छा ऐप है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैंने खुद यूज़ किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। चलिए फ़ोन के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा स्क्रीन पे क्लियर स्कैनर, इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरा ऑलरेडी यहाँ पे, जो मैंने पहले क्लिक किया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट 10 देखिए, ये है एक पेज का, ठीक है, और इसका जो साइज़ देखिए 289 KB का है। नीचे में देखिए डॉक्यूमेंट 9 जो है वो भी एक पेज का है लेकिन साइज़ कितना है, 82 KB का है। फिर वैसा करके आप नीचे में मैं आता हूँ, ये देखिए डॉक्यूमेंट 6 दो पेज का है, 589 KB का है, MB का नहीं। उसका नीचे देखिए डॉक्यूमेंट 5 जो है उसमें 5 पेज लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 पेजेस है इसमें, और इसका साइज़ सिर्फ है 2.28 MB। तो और नीचे में आइए तो आपको दिखाएगा डॉक्यूमेंट 3, वहाँ पे है 6 पेजेस, वहाँ पे देखिए 2.98 MB का आ रहा है। उसका नीचे में देखिए डॉक्यूमेंट 2, वो है 5 पेजेस का है, 1.81 MB का है। तो मतलब ये वेरी करता है फाइल के ऊपर, लेकिन आपका जो फाइल का साइज़ होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसमें फ़ोटो क्लिक करके PDF में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला जो लेफ्ट में जो ऑप्शन है वो तो होगी आपका गैलरी, ठीक है, मतलब कोई भी फ़ोटो जो है आपको गैलरी में उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो PDF फाइल में। लेकिन बात ये है कि फ़ोटो क्लिक करके कैसे कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो कि आपको अलग से फ़ोटो क्लिक करके फिर PDF में नहीं कन्वर्ट करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। तो नीचे में जो फोटो का कैमरा का ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए राइट साइड में, ये क्लिक किया मैंने और देखिए आपका कैमरा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आप आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उस पर ऊपर में रख के एडजस्ट करके आप क्लिक कर लीजिए ऐसा,
ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका बॉर्डर एडजस्टमेंट का जो एडजस्टमेंट का जो डिटेल्स आ चुका है, आप अपना मन मुताबिक एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे कर दिया आपको दिखाने के लिए, हो गया, आप ऐसा कर सकते हो। फिर नीचे में देखिए आपका रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, ये ठीक है, ये रोटेट का ऑप्शन है, और ये हो गया आपका फुल स्क्रीन बड़ा वाला, फिर आपका होगा एडजस्ट स्क्रीन, ठीक है। अब जो राइट साइड में है राइट लगा हुआ, उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप राइट को क्लिक करोगे आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हो चुका है। अब ऊपर में देखिए आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, एक है ओरिजिनल, एक है फोटो, एक है डॉक्यूमेंट और एक है क्लियर। अभी जो फिलहाल है ये क्लियर वाला है, मैं रिकमेंड करूँगा आप क्लियर में कीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट का जो क्लैरिटी, आपका जो डॉक्यूमेंट का जो क्या बोलूँ आपको, मतलब क्वालिटी है बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। ओरिजिनल करोगे तो आपका जो ओरिजिनल जो कलर है वो मिल जाएगा, फोटो में क्लिक करोगे तो आपको ऐसा आएगा, डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तो आपको ऐसा आएगा, ठीक है, और क्लियर में क्लिक कीजिए तो आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगा आपका डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो आप उसके बाद अगर आप एडजस्ट कर लिए तो राइट को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब बात क्या है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर में पीडीएफ लिखा हुआ है देखिए, वो क्लिक कर सकते हो, या नीचे में शेयर का ऑप्शन है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप शेयर में क्लिक करोगे तो आपका ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर में देखिए शेयर है, आप या तो इसको पीडीएफ में भेज सकते हो या आप जेपीजी मतलब इमेज में भेज सकते हो, तो मैं पीडीएफ में करूँगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए, आप जो फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ WHATSAP डाल दिया। अभी इसको एक्चुअली रखिएगा क्योंकि बाकी कम ही है, 291 KB बहुत कम होता है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा शेयर करने का, व्हाट्सएप में आप शेयर कर सकते हो, जीमेल में शेयर कर सकते हो, ब्लूटूथ, ठीक है, वगैरह वगैरह, आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो भी यहाँ पे शो करेगा शेयर करने वाला। तो आप इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर में क्लिक करके आप शेयर करके अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पे है। फिर दोबारा से कैमरा में क्लिक कीजिए, ठीक है, कैमरे में क्लिक करने के बाद आप फ़ोटो खींच लीजिए, जो भी फाइल का फ़ोटो खींचना है। फिर उसी तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए, बॉर्डर एडजस्ट जो करना है, फिर राइट मार दीजिए, ठीक है, प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो हो गया, फिर राइट मार दीजिए, तो अब देखिए आपके यहाँ पे दो टू फाइल हो गया। तो आप यहाँ पे टच करके रखिए, सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, फिर शेयर कर दीजिए। जब शेयर करोगे आप लोग, फिर वही पीडीएफ डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम टाइप कर दीजिए, मैं ऐसे टाइप करता हूँ XYZ, ठीक है, एक्चुअल रख दीजिए, फिर व्हाट्सअप या जीमेल किस में शेयर कर दीजिए। बस इस तरह से आप मल्टीपल फाइल्स भी एक साथ जोड़ के, मतलब मल्टीपल पेजेस 1, 2, 3, 4, 5 पेजेस भी जोड़ के सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये जो क्लियर स्कैनर है इसको यूज़ कर सकते हो, और अपना जो तकलीफ है पीडीएफ में कन्वर्ट करवाने का, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल सेंड करने का, या अपना स्टूडेंट्स लोग का असाइनमेंट सेंड करने का, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये ऐप के बारे में सबको जानकारी मिले, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।